हेलो फ्रेंड्स, आलू की ना ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि ये बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं और इजीली बन करके रेडी भी हो जाती है। तो आप अपने बच्चों के टिफिन बना करके दे सकते हैं जो झटपट बन जाएगी और बच्चों को खाने में बहुत ज्यादा पसंद आने वाली थी। चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें 2-3 आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। मैं यहाँ ग्रेटर की हेल्प से इसे अच्छे से ग्रेट कर ले रही हूँ। ऐसे ही हमें सारे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। यह हमारे आलू अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अब इसे हमें पानी में डाल देना है ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। अब इन्हें अच्छे से वॉश करके हमें दोनों हाथों से दबा करके इसका सारा पानी जो है वो निचोड़ लेना है। अब इसे साइड में रख लेंगे और थोड़ा सा इसमें मिला देंगे हम धनिया पत्ती, साथ ही मिला देंगे हम हरी मिर्च 2 से 3। अगर आपको मिर्च ज्यादा पसंद है तो ना भी मिलाएं। और थोड़ी सी मिला देंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मिला देंगे हम नमक इसमें और थोड़ा सा ही मिला देंगे हम इसमें जीरा। बस इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हमें ले लेना है कॉर्नफ्लोर को। और 1 से 2 चम्मच हमें कॉर्नफ्लोर डाल देना है जिससे इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। ये अच्छे से अब मिल चुका है तो अब हमें एक रवा को गर्म करने रख देना है जिसमें मैंने पहले से ऑयल डाल के रखा हुआ है गर्म करने के लिए। हमें ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है। अब छोटे छोटे से ये ऐसे पैनकेक बना लेने हैं और एक एक करके रख देना है। हम हाथों की हेल्प से अच्छे से पैनकेक बना लेंगे और इन्हें ऐसे ही रख देंगे। अब इन्हें हमें अच्छे से पलट लेना है। 2 मिनट सिकने के बाद हम इन्हें अच्छे से पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सिकने देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड से भी अच्छे से सिकने देना है। अब हम इसे फिर से पलट लेंगे। हमें दोनों साइड से इसे ऐसे सेकना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। देखिए अच्छे से अब सीख चुके हैं तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप इन्हें ऐसे भी या सॉस या चटनी के साथ खा सकते हैं। तो लीजिए, हमारे पोटैटो पैनकेक बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें। थैंक यू।